नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। आज हम आपको मध्य भारत के इंदौर शहर के रेजिडेंसी स्थित उस जगह पर लेकर चलते हैं जहां 1857 की क्रांति में महान योद्धा अमर क्रांतिकारी शहीद सआदत खान ने अपना बलिदान दिया था। 21 फरवरी को उनके जन्म दिवस पर जनसमूह ने श्रद्धांजलि दी और इंदौर से राहुल इंकलाब ने बलिदान पर जानकारी दी। शहीदों की मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बस यही आखिरी निशान होगा। जय हिंद साथियों, आज इंदौर शहर के रेसिडेंसी इलाके में हम मौजूद हैं। ये वो जगह है जहां पर 1 अक्टूबर 1874 को शहीद सआदत खान को फांसी दी गई थी। इसका छोटा सा वाक्य ये है कि ये पेड़ है, पेड़ पे शहीद सआदत खान ने धूप रख के अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी और आज आप देख रहे हैं कि उस महान क्रांतिकारी के जन्मदिन पर भी हम इंदौर नंबर वन, हम सफाई में नंबर वन हम कहते हैं, मगर आज जिसने इस योग्य हमें बनाया है आज तो दुर्भाग्य, मतलब मैं कहूँगा कि हम किस जगह हम खड़े हुए हैं। आप देखिए अव्यवस्थाएँ फैली हुई है, किसी प्रकार का सरकार प्रशासन उनकी वो कुंभकर्णी की नींद में सोया हुआ है, उन्हें कोई मतलब नहीं शहीदों से, ना उनके जज्बे से, ना उनके बलिदान से। वो 4 बार नंबर वन, हमें बहुत अच्छा लगता है हम नंबर वन है, मगर आप स्थिति देख रहे हैं कि हम नंबर वन कितने नंबर वन हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1857 की उस क्रांति का मालवा के अंदर आगाज करने वाले उस महान क्रांतिकारी को इसी पेड़ पर फांसी पर लटकाया गया था और 21 साल की उस क्रांतिकारी ने फरारी काटी थी और अपने ही किसी साथी की गद्दारी के कारण, कहते हैं ना जयचंद और मीर जाफर की जो कहानी जो हमेशा चली है कि हम कभी नहीं हारे हैं कलकंदों से और हम हारे हमेशा जयचंदों से, तो जयचंद जैसे और मीर जाफर जैसे लोगों की तरह सआदत खान के साथ भी किसी नई साथी ने उनके साथ गद्दारी की और वो गिरफ्तार हुए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक महान परिवार का भी एक बहुत बड़ा परिवार है, उसके ही कारण सआदत खान गिरफ्तार हुए थे और उनकी जो क्रांति का अलख रुक गया था। अभी नाम लेना उचित नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो पेड़ है, आप पेड़ देखिए, वो पेड़ उसी बात का गवाह है और ये आज हम यहाँ आए हैं उनके जन्मदिन पे याद कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत। फिलहाल की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए एएसबी न्यूज।